ओके ठरकी लोंडो रेडी So, देखो भाई आज प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मॉर्निंग में एक जर्मन टीनेजर स्कूल ड्रामा सीरीज की गई जिसका नाम है मैक्सटन हॉल। देख के भाई मैंने इसको निपटा दिया एंड आज के इस वीडियो में अपन लोग इसी का चिड़फाड़ करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट यही रहे कि अगर आपको स्कूल ड्रामास देखना पसंद है यंग एडल्ट टाइप के, डेफिनेटली आप ट्राई करना इस वीडियो को अंत तक देखने, जिससे कि आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इसको कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। देखो अगर बेसिक डिटेल की बात करें तो इसके सीजन को देखने के लिए भाई आपको 6 एपिसोड देखने, जिनकी जो लेंथ वही 40 से 45-50 मिनट के आसपास देखने को मिलती है। बढ़िया चीज ये कि काफी इंडियन लैंग्वेज में इस सीरीज को डब करके रिलीज किया गया एंड अगर मैं इसके हिंदी डबिंग की बात करूं तो इसकी जो हिंदी डब है वो काफी बढ़िया की गई एंड सबसे तगड़ी चीज की बात करूं तो इन केस अगर आप एक ठरकी ऑडियंस हो तो इस सीरीज में भाई आपके लिए काफी तगड़ा हॉट माल देखने को मिलेगा। काफी बोल्ड सीजलिंग सीन देखने को मिलते हैं जिनको देख करके इन केस अगर आप उस कैटेगरी में आते होगे तो आपका माहौल बनेगा एंड अगर आप एक संस्कारी होगे तो आप समझ गए होगे कि आपको इस शो को अपनी फैमिली के साथ नहीं देखना। बाकी कहानी वगैरह पर कमेंट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेटफ्लिक्स पर आपने एली या फिर गॉसिप गर्ल टाइप की सीरीज देखी या फिर नहीं, क्यों पूछ रहा हूं इस पर अपन लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपने देखा है या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी जो कहानी भाई काफी सिंपल है, दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो करती है जिसमें से एक है अपना हीरो जेम्स जो कि भाई एक काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है एंड जिस स्कूल में कहानी की सेटिंग को प्रेजेंट किया गया है वहां पर भाई उसका राज है, सब कुछ उसकी फैमिली वहां पर कंट्रोल करती है एंड भाई उसकी माइंडसेट ऐसे है कि पैसा ही उसके लिए सब कुछ है, वो पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। दूसरी तरफ है अपनी एक्ट्रेस रूबी जो कि एक जब वो अमीर है तो भाई ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती है एंड भाई उसका सपना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना, लेकिन भाई कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से रूबी के सामने जेम्स आके खड़ा हो जाता है एंड देन इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के क्या क्या चीजें होने लगती है वो सब जानने के लिए आपको इस शो को देखना पड़ेगा। कहानी सुन करके आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में इस शो में आपको देखने को क्या मिलेगा। यस अगर मैं इस सीरीज को ओवरऑल जज करते हुए आपके लिए एक वर्ड में डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, एवरेज। इन केस भाई अगर आप एक यंग ऑडियंस हो, आपने एलीट या फिर गॉसिप गर्ल या फिर इसी थीम पर बने हुए यंग एडल्ट ड्रामास अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, आपको हीरो एंड हीरोइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है स्पेशली टीनएजर्स की उनको देख करके मजा आता है, देन डेफिनेटली आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, बट अगर आप इस सीरीज को देखने जाते हो तो इसमें जो आपको दोनों रूबी एंड जेम्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, उनका जो ड्रामा देखने को मिलेगा, उनका जो लव एंड हेट को लेकर के चीजें देखने को मिलेंगी वो देख करके आपको कहीं ना कहीं मजा जरूर आएगा। लेकिन अगर आप एक प्रो ऑडियंस हो एंड आपने इस तरह के थीम पर बहुत सारे सीरीज देख रखे हैं तो एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 6 तक आपको जो भी चीजें देखने को मिलेंगी भाई ट्रस्ट मी सब कुछ आपको देखी देखी फील होंगी। सीरीज भाई अपने कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करती, इवन जिस हिसाब से इस सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है धीरे धीरे करके जैसे एपिसोड बढ़ते हैं काफी स्लो हो जाती है एंड ड्रैग होने लगती है एंड काफी प्रेडिक्टेबल नोट पर जाकर के भाई एंड भी हो जाती है। कुछ मूवमेंट डेफिनेटली है जहां पर जेम्स एंड रूबी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उनको देख के मजा आता है, बट ओवरऑल भाई जो वो मूवमेंट्स है इस सीरीज को संभाल नहीं पाते। सिंपल सा मैं आपको इतना बोलूंगा अगर आप भाई एक प्रो ऑडियंस आपने इस तरह की बहुत सारी सीरीज देख रखी हैं तो अगर आपका बहुत ज्यादा मन है स्कूल ड्रामा देखने का, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं, एक दो एपिसोड आप देखो, अगर आपको इंगेज करते हैं कैरेक्टर पसंद आते हैं देन डेफिनेटली आप 4 एपिसोड और देख सकते हो। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप इस सीरीज को इजीली स्किप कर देना क्योंकि जो 2 एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा वही सारी चीजें आपको 4 एपिसोड तक और आगे देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज और मैं बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक इस थीम को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, आप नए नए खिलाड़ी हो स्कूल ड्रामास वगैरह को लेकर के, देन डेफिनेटली आप एक बार सीरीज को देख सकते हो, उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है आपके लिए। साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलूंगा कि अगर आपको ये शो पसंद आता है तो प्राइम वीडियो की ही एक लास्ट कैम्ब्रिज करके एक ड्रामा है वो देख सकते हो या फिर एलीट जाकर के आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, हिंदी में मिल जाएगा, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा अगर आपको इस तरह का थीम पसंद आ गया इसको देखने के बाद। इसलिए मैं इस को ओवरऑल जज करते रखूंगा 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, मेरी वीडियो काम के लिए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।